जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ मेष राशि यानी एरीज जोडियक साइन से लेकर मीन राशि यानी पाइसेस जोडियक साइन वाले व्यक्तियों का 10 अगस्त और 11 अगस्त का दैनिक राशिफल लेकर, उस अवस्था का दैनिक राशिफल लेकर जब आसमान में 9 में से 4 ग्रह यानी शुक्र शनि राहु और केतु वक्री अवस्था में विपरीत अवस्था में घूम रहे हैं और हमको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में या पूरे विश्व में ही भूचाल आया हुआ है विभिन्न प्रकार से बाढ़ बारिश इत्यादि की वजह से या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, दुर्घटनाओं की वजह से। तो जैसा कि वक्री ग्रहों की बात करें तो इस समय शुक्र देवता कर्क राशि में बैठकर वक्री घूम रहे हैं, शनिदेव महाराज अपने स्वयं के घर में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है, राहु महाराज मेष राशि में वक्री अवस्था में घूम रहे हैं, जबकि केतु महाराज तुला राशि में वक्री अवस्था में घूम रहे हैं। और ये ग्रह किस प्रकार से आप लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं। मेष राशि वाले यानी एरीज जोडियक साइन वाले व्यक्तियों के साथ, जैसा कि आपकी सेहत का मसला है तो आपके सेहत के मसले में आज आप बिल्कुल ऊर्जावान दिखाई दे रहे हैं और आपकी ऊर्जा दूनी होती जा रही है अपने प्रेमी जनों से, अपने लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर के मिलने की वजह से या मिलने की संभावनाओं की वजह से या उनके साथ जो आप अच्छा समय स्पेंड करने वाले हैं उसकी वजह से आपके सेहत में और ज्यादा ऊर्जा आ रही है, और ज्यादा उछाल आ रहा है, और ज्यादा चमक आ रही है आपके चेहरे पर। बात करता हूं मैं जीवन साथी के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो लड़ने से परहेज करिएगा, झगड़ा करने से बचने का कोशिश करिएगा। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य के देवता जो है निश्चित रूप से आपको पूरा पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए मंगलकारी होगा, गुरुजनों के प्रणाम करना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। और यहाँ पर बात करता हूँ कार्यस्थल के हालात में, यहाँ पर क्योंकि कार्यस्थल के मालिक शनिदेव जी हैं तो शनिदेव जी वक्री घूम रहे, तो कहीं नौकरी में या व्यापार में आपको अड़चन आके खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ धन के भाव में भी, क्योंकि शनि वहां बैठ के आप वक्री हुए तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को धन की कमी या उनके धन के भंडारों में से, उनकी तिजोरी में से लक्ष्मी जी का जाना प्रारंभ हो जाएगा धीरे धीरे करके। रोकने की कोशिश करिएगा, भगवान शनि देव को मनाने की कोशिश करिएगा, नहीं मानते हैं तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम है गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। यहां बात करूंगा मैं एरीज राशि वाले व्यक्तियों का, जो लक्की नंबर रहेगा 10 अगस्त के लिए लक्की नंबर रहने वाला है 2, और 11 अगस्त के लिए भी उनका लक्की नंबर 2 ही रहने वाला है। बात करता हूं मैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों बहुत मन प्रसन्न रहेगा, खुशी से ओत प्रोत रहेंगे, नई ऊर्जा के साथ आप अपने दिन का शुभारंभ करने वाले हैं, क्योंकि तो स्थिति और आपके अनुकूल नजर आ रही है, आपका ग्रह उल्टा घूम रहा है ध्यान रखिएगा, तो सेहत में कुछ परेशानी तो हो सकती है, पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। यहां पर अगर अपनी माता के साथ आप डिस्कस करेंगे, जैसा मैं लगातार कहता आ रहा हूं इन दिनों, वो समय चल रहा है जब आप अपनी माता के साथ अपने प्रेम संबंधों को डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यहां भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य के हालात आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि भाग्य के देवता तो वक्री घूम रहे हैं, कार्यस्थल पर बैठकर वक्री घूमेंगे तो कार्यस्थल में भी अड़चने और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ अगर मैं धन के भंडारों और तिजोरियों की बात करूं तो वहां से लक्ष्मी जी जाती हुई दिखाई दे रही हैं, संभलने का प्रयास करिएगा और इन लक्ष्मी जी को रोकने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर बात करूंगा आपके लक्की नंबर के बारे में, तो आपका जो लक्की नंबर है 10 अगस्त के लिए और 11 अगस्त के लिए दोनों ही दिन के लिए जो लक्की नंबर है वो लक्की नंबर है 1। अगर हालात बेकाबू हो जाए तो हमको याद करना मत भूलिएगा। बात करना चाहता हूं मैं मिथुन राशि यानी जेमिनाई जोडियक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले व्यक्ति बहुत प्यारी मुस्कुराहट वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी एक मुस्कुराहट पर जान कुर्बान करने की इच्छा करती है, इतनी प्यारी इनकी मुस्कुराहट होती है।
तो यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप अपने बाहुबल के बदौलत बहुत कुछ करने में आज समर्थ हैं। आपको वहां पर कहीं कोई अड़चन नहीं आने वाली है, किंतु परिवारजनों के साथ कुछ अड़चन होने की संभावना दिखाई दे रही है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आपके प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में कोई ना कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। और यहां मैं बात करूंगा भाग्य के देवता की, तो भाग्य के देवता आपके हित में नहीं है, आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शनिदेव जी वहां बकरी घूम रहे हैं, भगवान शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करिएगा। हमारे यहाँ से एक पुस्तक मंगा लीजिएगा, पूजा कैसे करें मुफ्त में हम लोग बांटते हैं वो पुस्तक अपने शनिपीठ मंदिर की तरफ से, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके ले जा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा कार्यस्थल के हालात, निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं, और आपकी काम की वजह से आपके धन के भंडारों में लक्ष्मी जी का आना प्रारंभ होगा, किंतु थोड़ी बहुत चिंता तो लगी रहेगी। कुछ यात्रा की संभावना भी बन सकती है किसी विषय को लेकर। आज के लिए जो आपका लक्की नंबर है वो कोई भी नहीं है। आज और कल के लिए आपको 3 यानी नंबर 3 से बच के रहना है। बात करता हूं मैं कर्क राशि यानी कैंसर जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, कुछ गुड न्यूज, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकार से कोई अदर बेनिफिट मिलने की संभावना बनी हुई है। स्त्रियों से झगड़ा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, संभल के रहिएगा उनसे। यहां पर बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से परिवारजनों की मदद से आप अपने प्रेम संबंधों को और खुशियां दे सकते हैं, उनसे और लाभ उठा सकते हैं, उनको और आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। यहां पर बात करता हूं जीवन साथी के साथ, जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ कड़वाहट जरूर घोलेगी, उस कड़वाहट को रोकने का प्रयास करिएगा। यहां भाग्य की बात करूं तो आपके भाग्य की वजह से निश्चित रूप से आपके काम पर, चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, आपको लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको कुछ अपने बॉस इत्यादि की नजर में गुड उसमें आना है, और आपको नौकरी प्रमोशन के चांसेस या व्यापार में उन्नति के चांसेस बनते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके धन के भंडारों में, आपकी तिजोरियों में लक्ष्मी माँ आ रही हैं। आज के दिन स्वागत करिए माता लक्ष्मी का। और जब बात करता हूं आपके लक्की नंबर की, तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए आपका जो लक्की नंबर रहने वाला वो नंबर 2 है। बात करता हूं मैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, अपने क्रोध पर नियंत्रण करिएगा, अनावश्यक क्रोध आपको हानि पहुंचा सकता है। परिवारजनों का आशीर्वाद लेना आपके लिए मंगलकारी होगा। यहां बात करता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध आज आपके भाग्य को मजबूत करने के काम आएंगे, उनकी सलाह मानना आपके हितकारी होगा। भाग्य की बात कहूं तो भाग्य के लिए आपका समय अच्छा चल रहा है, लेकिन उलझनों चिंताओं से आप मुक्त नहीं हो सकते। और यहां पर कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से आपको खुशियां देने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपको खुशी जो मिलने वाली है अपने कार्यस्थल पर मिलने वाली है, चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, तो वहां पर दोनों ही जगह आपके लिए अति उत्तम दिन व्यतीत होगा। यहां पर बात करता हूं आपके धन के भंडारों की, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी आपके तिजोरियों में वापस भरती हुई नजर आ रही हैं, धन भरती हुई नजर आ रही हैं। और यहां बात करता हूं आपके लक्की नंबर की, तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए जो आपका लक्की नंबर रहने वाला वो लक्की नंबर है 1 नंबर। बात करता हूं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों यानी वर्गो जोडियक साइन वाले व्यक्तियों, सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाहर का अनर्गल खाना आपके लिए नुकसान दे सकता है। और यहां मैं बात करूं आपके भाग्य की, वो आपके प्रेम और रिलेशनशिप की बात करूं, तो आपको यहां पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अति की सीमा में उतर रहे हैं प्रेम संबंधों को लेकर, तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर जो लोग व्यक्ति शादीशुदा हैं तो उनके उनके जीवन साथी के मध्य थोड़े से तनाव के पल आने की संभावना बनी हुई है, उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लें। और यहां भाग्य की दृष्टि से देखो तो भाग्य आपका उन्नति के तरफ अग्रसरित हो रहा है, निश्चित रूप से गुड न्यूज है भाग्य में आपके लिए। और यहाँ कार्यस्थल के हालात की बात करूं तो कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर जाकर कार्यस्थल के लिए, चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, खर्चा करना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ इनकम के चांसेस माता लक्ष्मी जी की
कृपा आपके ऊपर बनी हुई है तो किसी न किसी वजह से आपको कुछ इनकम की भी प्राप्ति होगी, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा ना हो जाए कि कर्जा लेकर पूरे करने पड़े, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। और ज्यादा परेशानी होने की स्थिति में बिना झिझक स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें कॉल कर लीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो कन्या राशि वालों, 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए आपका जो लक्की नंबर रहने वाला है वो नंबर 9 है। बात करता हूं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए उचित रहेगा। सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रख लेना, बहुत तला भुना खाने के, मिर्ची मसाले खाने के शौकीन हो, किचन में भी हाथ अजमा ही लेते हो, तो महाराज आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा। शरीर तो आपका अपना है। और यहां प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों में खटास आने की, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी हुई है। सावधान रहिएगा कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति या आप स्वयं अपनी ज्यादा बोलने की आदत से या जरूरत से ज्यादा छुपा ना पाने की आदत की वजह से आप अपने प्रेम संबंधों में परेशान हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। जो बात नहीं बताने की है वो बताने में भी आप माहिर हो, जो बात किसी को भी नहीं बताई जाती है वो भी आप बता देते हैं, जिसकी वजह से अंततः आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहिएगा। जीवन साथी के साथ जो लोग शादीशुदा, उनका समय अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन थोड़ी चिंता के साथ। यहां पर आपका जो बात करूं भाग्य की स्थिति के बारे में, तो भाग्य की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्रदान कर रही है, शुभता प्रदान कर रही है। भाग्य आपको मंगल संदेश दे रहा है, शुभ संदेश दे रहा है। और कार्यस्थल पर निश्चित रूप से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सूचना आपको मिल सकती है। किंतु साथ ही साथ आपके लिए एक वार्निंग है कि वहां पर किसी स्त्री से झगड़ने का प्रयास न करें, वरना आपके लिए अमंगलकारी हो जाएगा। धन के भंडारों में, आपकी तिजोरियों में धन आता हुआ दिखाई स्पष्ट मुझे दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए तुला राशि वालों, आपका कोई भी लकी नंबर नहीं है, बैड लक नंबर जरूर है, 8 नंबर से बचने का प्रयास करिएगा। यहां बात करूंगा मैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, निश्चित रूप से कार्यस्थल पर हो रही डेवलपमेंट की वजह से, चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आपके अंदर बहुत खुशी है। आप अपने आप को दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और यह एक अच्छी साइन है। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या मकान के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या वाहन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, कोई नेगेटिव सूचना हो सकती है इन दिनों में। और यहाँ बात करूं जो आपके प्रेम संबंध है, वो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ के आप अपनी जवान को हिलाइएगा, वरना अपनी जवान को लगाम देना आपके लिए बेहतर रहेगा। और यहां बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने जीवन साथी के साथ एक बहुत अच्छा समय गुजारने वाले हैं, बहुत अच्छा समय गुजरेगा। उस यादगार मोमेंट के लिए अपने जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां बात करूंगा आपके भाग्य के लिए, तो भाग्य आपके लिए गुड न्यूज लेके आया है। हो सकता है नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गुड न्यूज, या फिर कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि आपको प्राप्त होने की संभावना हो, जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। किंतु किसी औरत का बुरा करने की कोशिश मत करिएगा, स्पेशली विधवा औरत का। और यहां बात करूंगा कार्यस्थल के हालात की, निश्चित रूप से वहां पर गुड ही गुड है, आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हो सकता है आपको अपने व्यापार को या अपनी जॉब को प्रमोट करने के लिए कुछ धन खर्च करने की आवश्यकता पड़े, कोई बात नहीं, वो सब आपके लिए शुभ है। और यहां बात करूंगा आपके लक्की नंबर की, तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए जो आपका लक्की नंबर रहने वाला है वो लक्की नंबर रहेगा 7। बात करता हूं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, सैजिटेरियस ज़ोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। सैजिटेरियस के लिए यही कहूंगा कि अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा प्रदान करते हुए आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे, खुशियां महसूस करेंगे। हालांकि कुछ चिंताएं वहां पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। और जैसा मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूं, इन दिनों आप थोड़ा सा बचने का कोशिश करिएगा, सांस से संबंधित ब्रोंकाइटिस की समस्या या यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन या लेडीज से संबंधित लेडीज प्रॉब्लम्स लेडीज को हो सकती हैं। जो व्यक्ति शादीशुदा है उनके जीवन साथी की सलाह मानने से उनके भाग्य में निश्चित रूप से
वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, किंतु बदनामी से बचने का अवश्य प्रयास करिएगा। अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर या कोई सरकारी नौकरी कभी को कॉन्ट्रैक्ट की आस लगा के बैठे थे, वो आस टूटती हुई मुझे नजर आ रही है, या कार्यस्थल की हालत निश्चित रूप से आपके भाग्य की वजह से अच्छे रहेंगे और धन के भंडारों में अचानक लाभ होने की संभावना है, माता लक्ष्मी जी का आगमन हो सकता है झटके से। यहां पर सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपका 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए कोई भी लक्की नंबर नहीं है, लेकिन बैड लक नंबर जरूर है, नंबर 6 आपके लिए बैड लक साबित हो सकता है। सावधान रहिएगा, परेशानी होने पर हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। बात करता हूं मैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन जोडियक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, यहां पर आपका ऊर्जा में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई शनिदेव जी वक्री घूम रहे हैं, फिर भी आप जैसे जिद्दी लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर, विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। आप ही तो हो जो इतनी ऊंची ऊंची बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, आप ही तो हो जो कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक जीटी रोड बन जाती है, हाईवे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आपकी मेहनत की बदौलत हम आज अन्न प्राप्त कर पाते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था परिवारजनों का आशीर्वाद लेने से और भगवान शनि देव के मंत्र पूजा करने से, निश्चित रूप से आपको और अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध तो वैसे ही आज आपको बहुत खुशियां दे रहे हैं, हो सकता है प्रेम अपने प्रेमी जनों के साथ आप एक आनंददायक समय गुजारें और एक छोटी मोटी यात्रा पर भी आसपास कहीं घूमने जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा भी है। जीवन साथी अगर जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की वजह से आपके जीवन में खुशखबरी आ सकती है, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट की तरफ से अन्य कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। किसी स्त्री से, अन्य स्त्री से, पराई स्त्री से झगड़ा करने का प्रयास मत करें, विशेषकर विधवा स्त्री से। यहाँ भाग्य के देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी है उससे भी बचने का प्रयास करिएगा इन दिनों में। बात करूंगा कार्यस्थल पर आपके कुछ दुश्मन आपको परेशान करने का, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप उन दुश्मनों से सदैव सतर्क रहें। बात करता हूं मैं आमदनी की बात, आपके धन के भंडारों की, तिजोरी की बात करूं तो वहां धन के भंडारों में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और इस लक्ष्मी जी के जो प्रस्थान कर रहे हैं लक्ष्मी जी आपकी तिजोरी को छोड़कर, उनको रोकने का, उनको मनाने का प्रयास करिएगा। कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लीजिएगा स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर। आपका जो लक्की नंबर है 10 अगस्त के और 11 अगस्त के लिए, नंबर 5 आपके लिए लक्की साबित होगा। बात करता हूं मैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति शनि देव जी वक्री घूमकर आपके सिर पर ही बैठे हुए, थोड़ा उलझन है तो खड़ी होंगी होंगी, बनते हुए काम बिगड़ने की संभावना भी नजर आती है। स्वास्थ्य में भी सोच सोच के थोड़ी परेशानी हो सकती है। भगवान शनि देव का जो बीज मंत्र है वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। उनकी पूजा कैसे करें, ऐसी पुस्तक हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी जाती है, आप हमारे यहाँ से आके ले जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा आपके, जब माता के साथ आप एक अच्छा समय गुजारेंगे, माता से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भूलिएगा इस विषय में। और साथ ही साथ जब बात करता हूं मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने प्रेम संबंधों को आप शादी पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मौके पर चौका मार दीजिए वरना रह जाएंगे, जीवन भर 30 रह जाएगी। काश मैं उस दिन घर में बता देता तो अब मैं वो उस व्यक्ति से मेरी शादी हो गई होती। फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो मैं बैठा हूं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, आप उससे संपर्क कर लेना। भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, सावधान रहिएगा। जीवन साथी अगर शादीशुदा है तो उनकी सलाह मानकर अगर कार्यस्थल पर, नौकरी या व्यापार में कुछ चेंजेस लाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए मंगलकारी होगा, शुभ फल देने वाला होगा भाग्य। अगर मैं आमदनी की बात करूं, धन के भंडारों और तिजोरियों की बात करूं, तो आपकी मेहनत की वजह से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो मेहनत करिए, आप ही की हिम्मत से वो वृद्धि होगी, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। तो कुंभ राशि वालों यानी एक्वेरियस जोडियक साइन वालों, आपका 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए जो लक्की नंबर है, वो लक्की नंबर है 4। बात करता हूं
मीन राशि वाली व्यक्तियों के बारे में, पाइसिस जोडियक साइन वाली व्यक्तियों के बारे में, पाइसिस की बात करें तो याद आ जाता है एक दयालु काइंड 100% की याद आ जाती है, बहुत काइंडनेस होती है इनके अंदर। अपना खाना जो थाली में परोसा हुआ होगा उसे भी किसी दूसरे को देकर इन्हें खुशी मिलती है, इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। ऐसे होते हैं मीन राशि वाले दयालु व्यक्ति। तो परिवारजनों के आशीर्वाद से आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, उनके साथ एक अच्छा समय आप स्पेंड करने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से उनका साथ आपकी सेहत में एक नई ऊर्जा को भर देगा। यहां बात करूं मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो जैसा मैं पीछे से कह भी रहा हूं आपसे, आपकी जो संभावना नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट मनचाहा ट्रांसफर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट से संबंधित अन्य कोई खुशखबरी आपके जीवन में इस समय प्रवेश कर रही है और उसके लिए आपके प्रेम संबंध लव रिलेशनशिप के संबंध आपके काम आने वाले हैं। किसी भी विधवा स्त्री से झगड़ा करने का, मैं तो कहता हूँ किसी भी स्त्री से झगड़ा करने की आप जरा सोचिएगा, मत परे जाने दीजिएगा, जो होता है होने दीजिए। और यहां बात करता हूं आप मतलब स्किन डिसीज यानी खाज खुजली इत्यादि की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, इन दिनों में सावधान रहिएगा, या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के भी आप शिकार हो सकते हैं। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज्यादा है, थोड़ा सावधान रहिएगा, या कोई ब्लड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। यहाँ बात करूंगा मैं आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। अगर मैं बात करूं भाग्य के, तो भाग्य के देवता आपसे नाराज हैं, सावधान रहें। कार्यस्थल की बात करें तो निश्चित रूप से परिवारजनों के आशीर्वाद से आपके कार्यस्थल के में उन्नति के अवसर हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, मगर आमदनी की बात करूं तो वहां पर थोड़ा खर्चा ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी जो तिजोरी से लक्ष्मी जी का जो प्रस्थान हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करिएगा, रुक जाएंगी, परेशानी हो रही है तो बिना झिझक स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमको याद कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, आपका 10 अगस्त और 11 अगस्त के लिए जो लक्की नंबर है वो लक्की नंबर है 3।